जालौन के कोच में 17 नवंबर को अकबर उर्फ बुर्फी की निर्मम हत्या का आज कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या इतनी क्रूरता से की गई थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। मामले में तुरंत कार्रवाई हो, जिस पर पुलिस अधीक्षक जालौन ने हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, 17 नवंबर को कोच क्षेत्र के अंतर्गत 8 रोड पर ग्राम अंडा के पास सड़क किनारे एक कटा हुआ हाथ का पंजा बरामद हुआ। बाकी का अंग 5 किलोमीटर दूर एक खेत में पड़ा मिला था, जिसमें सिर नहीं था। मृतक के भाई के द्वारा 5 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसे गोलू कुरैशी को पुलिस गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने हत्या की बजाय मृतक को पुलिस की मुखबिरी करके हम लोगों को कई बार जेल भिजवाना बताया है, इसलिए हम लोगों ने उसकी निर्मम हत्या की है। वहीं क्षेत्राधिकारी रुखमणी वर्मा ने कहा कि आरोपी अभी फरार हैं और वो भी जल्द से जल्द सलाखों के अंदर होंगे। मैम, जो 17/11/17 को एक अंडा रोड पर सरकटी लाश बरामद हुई थी, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उस संदर्भ में क्या कहेंगे? जैसे ही जिस समय सूचना प्राप्त हुई थी, उस समय तुरंत ही मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम सक्रिय हो गई और जिन लोगों का नामजद किया गया था उनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए आज एक अभियुक्त पकड़ा गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। और उसके माध्यम से और भी विवेचना में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनके आधार पर विवेचना चल रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।